हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीकाट एग्जामिन कैप्सूल के बारे में, जो कि बहुत ही सस्ता और अच्छा मल्टी विटामिन कैप्सूल है। और इस कैप्सूल के बारे में हम आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी देंगे, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोजेस और भी बहुत से बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बीकाट एग्जामिन कैप्सूल क्या है और मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। तो दोस्तों, ये एक मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी थ्री, विटामिन ई, विटामिन सी, निकोटिनामाइड, विटामिन B12, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फॉलिक एसिड जैसे और भी कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जिसे हम एक सस्ता और अच्छा सप्लीमेंट के रूप में जानते हैं। इसलिए ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, ये ऑन मेडिकल काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और ये हर एक मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये कांच के बोतल में आती है, जिसके अंदर 30 कैप्सूल मौजूद है और इसकी MRP प्राइस जो है 42 रुपीज़ है, यानी कि 42 रुपये। और दोस्तों, ये कांच के बोतल में आती है तो टूटने का खतरा रहता है, तो थोड़ा संभाल के यूज़ करना है। तो आइए जानते हैं इसके यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका यूज़ शरीर में पोषक तत्वों के कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, जैसे कमजोरी, थकान, खून की कमी, भूख कम लगना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसी समस्या होने लगती है। तो ऐसे समस्या में डॉक्टर इस कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भी ये हमारे शरीर में कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, फॉलिक एसिड की कमी, कैल्शियम की कमी को दूर करती है और भी बहुत सारे रोगों में इसे सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि इसको लेने के बाद आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करता है, यानी कि आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैटनेस बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ये एक मल्टी विटामिन कैप्सूल है और ये हमारे शरीर में सिर्फ विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी को दूर करती है। फ्रेंड्स, बात करें इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो सभी लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों को त्वचा पे खुजली, एलर्जी, भूख का कम लगना, कब्ज की समस्या, हल्का पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है नॉर्मल एडल्ट के लिए, यानी कि बड़ों के लिए, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। अन्यथा आप अपने डॉक्टर के बताए गए डोज के हिसाब से लेते हो तो और भी अच्छा होता है। इसे मिल्क के साथ या फिर आप वाटर के साथ भी ले सकते हो।